अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं आपका होस्ट मुनीर खोकर एक और नई वीडियो के साथ। व्यूअर, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कॉलम के बारे में, कॉलम्स की जो शटरिंग की जाती है और उसमें स्टील डाला जाता है। कॉलम की थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा जल्दी जल्दी में। तो व्यूअर, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये येलो लाइन सर्वेयर का ऑफसेट है, ऑफसेट लाइन है, और इसके साथ साथ ये जो प्लाई लगी हुई है, ये प्लाई भी सर्वेयर की कॉलम की मार्किंग है। एज ऑफ इसमें ये वाली प्लाई सिर्फ इसको बैक करने के लिए 18 मिली, क्योंकि इसकी प्लाई की विर्थ होती है, ये 18 मिली की प्लाई है, तो इसलिए कंक्रीट एज ये हमारा लाल लाइन कंक्रीट एज है। इसके बाहर सारी प्लाई आएगी, ये हमारे ये जो पाइप हम इस्तेमाल करते हैं, ये टाई रॉड के क्रॉस के लिए है। इसके दरमियान में से टाई रॉड डाल के तो इसको टाइट किया जाएगा, प्लाई को आपस में रखा जाएगा, ताकि ये जो इसके पाइप हैं इनमें साइडों पे ये प्लाई को ना अंदर आने देंगे और ना ही ये बाहर जाने, बाहर से इसको टाई रॉड से जो है वो टाइट करेंगे और अंदर के लिए ये इसमें सपोर्ट करेंगे, ताकि ये प्लाई अंदर की तरफ ना जाए, कॉलम का साइज़ छोटा ना हो। इसी तरह यहाँ पर ये हमारा अर्थिंग केबल है, अर्थिंग के लिए है, ये पाइप इसमें आया अर्थिंग के लिए, और ये अर्थ का काम, कंक्रीट स्पेसर है। इसी तरह ये टाई रॉड के लिए, ये तकरीबन हर मीटर पर 1.5 मीटर पर टाई रॉड के लिए ये दिया गया है। ये हमारे दो पाइप इसमें, ये इलेक्ट्रिकल के पाइप हैं, ये वाले इलेक्ट्रिकल के लिए पाइप हैं, तीन साइडों की इसकी प्लाई लग चुकी है, क्योंकि एक चौथी प्लाई जब तक इंस्पेक्टर, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्टर इसकी इंस्पेक्शन नहीं कर लेता, चेक नहीं कर लेता, उस वक्त तक इसकी प्लाई चौथी बंद नहीं की जाती। तो अब इसको मैं थोड़ा सा आपको दूर होके इसको दिखाता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। व्यूअर, ये दूसरा कॉलम है जिस पर इसका काम मुकम्मल हो चुका है, फॉर्म वर्क कम्प्लीट लग चुका है, इसमें साइड की सपोर्टें भी लग चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं जैक लगाए गए हैं साइड सपोर्ट से, ये इसको बंद कर दिया गया है, और इसमें इसके साथ प्लम जो है जिसको हम उर्दू में साल कहते हैं, पंजाबी में साल कहते हैं, ये भी लगाई जा चुकी हैं हर साइड पे, इसकी वर्टिकलिटी चेक करने के लिए। ये जो डोरी है ये साल के लिए है, ये ऊपर से दोनों साइडों से लगाई गई हैं, और नीचे इसके साथ ये इसका वेट बांध दिया गया है, ये जितना वेट इसमें ज़्यादा होगा इतनी ये साकन रहेगी अभी, क्योंकि हवा चल रही है और ये हिल रही है। ये इसके टाई रॉड जो टाइट किए गए, चारों साइडों पे इसकी सपोर्ट लग गई है कॉलम की, ये रेडी फॉर कंक्रीट है, वो रेडी फॉर पोरिंग है, ऊपर भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।